और बड़ी खबर आ रही है रांची से, सीओ को जान से मारने की धमकी दी गई है। अवैध निर्माण रोकने गए थे नामकुम सीओ खर्सी दास, ओपी में सीओ ने दर्ज कराया है मामला। सरकारी जमीन पर अवैध निर्माण रोकने गए थे सीओ, रिंग रोड खड़खटांग में हो रहा था अवैध निर्माण। सीओ को जान से मारने की धमकी दी गई है, बड़ी खबर इस वक्त रांची से, जहां सीओ को जान से मारने की धमकी दी गई है अवैध निर्माण रोकने के लिए। नामकुम के सीओ पहुंचे थे खर्सीदांग, ओपी में सीओ ने दर्ज कराया है मामला। सरकारी जमीन पर अवैध निर्माण रोकने गए थे सीओ और वहां उन्हें जान से मारने की धमकी दी गई। रिंग रोड के गढ़खटांग में अवैध निर्माण को रोकने गए थे सीओ, जहां उन्हें जान से मारने की धमकी दी गई। इस वक्त की बड़ी खबर रांची से, जहां सीओ को जान से मारने की धमकी दी गई है। सरकारी जमीन पर अवैध निर्माण हो रहा था, जिसे रोकने के लिए वो वहां पहुंचे थे, वहां सीओ को जान से मारने की धमकी दी गई। और संवाददाता इमरान हमारे साथ जुड़ गए हैं फोन लाइन से। इमरान, अपराधियों के हौसले इतने बुलंद हैं, खासतौर से बात करें जमीन का जो अवैध कब्जा करते हैं, अवैध निर्माण कराते हैं, कि सीओ को उन्होंने जान से मारने की धमकी दे दी। देखिए बिल्कुल, ये रांची के नामकुम थाना अंतर्गत खरसेदा गोपी क्षेत्र का ये पूरा मामला है, जहाँ पर गढ़खटंगा जगह पर जो सरकारी जमीन थी, जमीन पर जमीन माफिया के द्वारा जो है अवैध रूप से कब्जा किया जा रहा था, निर्माण कार्य कराए जा रहे थे। इसकी जानकारी नामकुम सीओ को मिली, जिसके बाद नामकुम सीओ ने अपने तत्काल अपने अंचलाधिकारियों को मौके पर भेजा और पूरे मामले की तफ्तीश करवा रही थी, जांच करवा रही थी। इसी दौरान जो वहां टीम गए, उसे जो दबंग जो लोग थे, एक तरह से कहा तो जमीन माफिया के जो लोग थे, उन्होंने ना सिर्फ उसे उनका विरोध किया, विरोध दर्ज कराया, बल्कि इस पूरे मामले पर अंचलाधिकारियों को जान से मारने की धमकी भी दी गई। जिसके बाद पूरे मामले की जानकारी जो है वो खर्शिदा गोपी को लिखित शिकायत दर्ज कराई गई है। लिखित शिकायत में ये सारी चीजें बताई गई कि रिंग रोड गढ़खटंगा के पास अवैध निर्माण को लेकर के खुद सीओ ने पूरे मामले की जानकारी ली थी, और इसी के तहत जब ये पूरा हंगामा हुआ और जान से मारने की धमकी दी गई, तो जिसके बाद इस पूरे मामले में खर्शिदा गोपी में मामला दर्ज कराया गया। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की तफ्तीश में जुट गई है और पूरे मामले की तफ्तीश जारी है। शुक्रिया इमरान तमाम जानकारी के लिए। तो